हेलो फ्रेंड्स, अगर कभी आपके बेड पे पानी गिर जाए तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि आप जैसा करते ही भी हो उसको पोंछ लेना चाहिए पहले तो एक कपड़े से अच्छे से। उसके बाद बैक साइड में तो हो सकता है कि पोंछने से ही काम चल जाए, बट फ्रंट में ऐसा हो सकता है कि लकड़ी की जो ऊपरी सतह है वो ऊपर को मतलब उठ सकती है हल्की हल्की, मतलब फूल सकती है लकड़ी कहीं कहीं पर बहुत हल्की हल्की। तो वो मतलब जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा फुलाएगा, हल्का कम पानी तो बहुत मामूली मामूली सा फुलाएगा, कहीं पर हो सकता है रेशे की तरह हल्का हल्का आपको ऊपर उठता हुआ नजर आए। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें कि जब आप इसको अच्छे से पहुँच लें उसके बाद ऐसे एक गोल पाइप लोहे का, लकड़ी का, स्टील का, किसी भी चीज़ का हो और मुलायम हो, लेकिन उस पर मतलब ये जो शेप है ये शेप खराब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी लकड़ी खराब कर देगी। उससे आप अपने बैट को ऐसे रख के, बैट पे किसी चीज़ पे रख के, फिर ऐसे दोनों हाथ से इसको प्रेस करते हुए ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे को ऐसे रोल कर सकते हैं, जिस मतलब प्रेसिंग एक तरह से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो लकड़ी ऊपर उठनी थी वो उस चीज़ को दबा देगा और बैट को ज़्यादा नुकसान होने से बचा देगा। हो सकता है कि अगर कम पानी गिरा तो बिल्कुल भी नुकसान ना होने दे। तो ये ट्रिक आप कर सकते हैं, मैंने किया था अपने एक बैट पे तो ठीक है, मतलब इससे फ़ायदा हुआ मुझे। बाकी अगर आप लोगों के पास और कोई ट्रिक हो तो नीचे कमेंट में आप बताएं ताकि हमारे जो दूसरे साथी हैं वो उस चीज़ को अपना सकें। धन्यवाद।